नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको जीवन में गरीबी आने के, दरिद्रता आने के पांच बड़े कारण बताऊंगा। कभी कभी व्यक्ति का व्यापार चलते चलते रुक जाता है, एक साल, डेढ़ साल, दो साल, ढाई साल, तीन साल, आदमी प्रतीक्षा करते करते थक जाता है, लेकिन उसका काम नहीं सुधरता, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, कर्ज बढ़ता चला जाता है, घर की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जाती है। तो इस तरह की दरिद्रता यदि आपके घर में वास कर रही है, आपको व्यापार में लगता है कि मामला डाउटफुल है, तो इसके पांच बड़े कारण जिन पर चर्चा होगी और उनके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो मेरे अनुभव के आधार पर है। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय में आगे बढ़ते हैं। घर में, व्यापार में दरिद्रता के वास करने का पहला कारण है और पहला बड़ा कारण है गलत लोगों पर भरोसा करना, गलत लोगों के साथ टाइम खराब करना। कई बार ठीक ठाक काम चलते चलते हम कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, ऐसे लोगों को समय देते हैं जिनकी विचारधारा इंटरनली आपके विपरीत होती है, आपके खिलाफ होती है। उनकी सोच, उनकी वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा समय और दिमाग गलत लोगों के साथ खराब हो जाता है, जिससे घर में गरीबी और दरिद्रता का वास आ जाता है। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके काम के नहीं हैं। लोगों को पहचानना सीखिए। गरीबी के आने का दूसरा और बड़ा कारण होता है जब व्यक्ति अपने काम पर, अपने व्यापार पर ध्यान ना देकर दूसरे लोगों के जीवन में ज़्यादा ताक झांक करना प्रारंभ कर देता है। रिश्तेदार हैं, भाई बंध हैं, अनाधिकार चेष्टा, जहां आपका अधिकार क्षेत्र भी नहीं है वहां पर भी व्यक्ति अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है, तो ऐसे में व्यक्ति को गरीबी और दरिद्रता आकर के घेर लेती है। इसलिए कभी भी अनाधिकार चेष्टा ना करें। जहां आपका अधिकार नहीं है, जहां आपका कोई मतलब नहीं है, उन लोगों के जीवन में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, नहीं तो गरीबी आपके घर से निकल ही नहीं। अगला बड़ा कारण है आपके जीवन में खराब ग्रहों की महादशा और अंतरदशा का आना और समय पर उनका सटीक उपाय न होना। साथियों, जब जन्म कुंडली में 7.5 आती है, व्यक्ति की राशि पर ढैया आती है या छठे, आठवें, बारहवें स्थान के ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आती है, या जन्म कुंडली में दूसरे और सातवें घर के स्वामी की महादशा या अंतरदशा आती है, तब व्यक्ति को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपको पहले से उसका ज्ञान है और आपने योग्य व्यक्ति की सलाह से उसका सटीक उपाय कर लिया तो 70-80% तक व्यक्ति आने वाली समस्याओं से बच जाता है। लेकिन खराब ग्रहों की महादशा के कंटिन्यू होने पर भी हमारी साधना भी कंटिन्यू नहीं है और हमारे उपाय भी नहीं हो रहे हैं तो भी व्यक्ति को बहुत खराब टाइम से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ता है। इसलिए आपके ग्रह नक्षत्र किस दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं इस पर भी व्यक्ति को बारीक नज़र बनाकर रखनी चाहिए। खासकर जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होता है, बदलता है राशि को, तब बड़े बड़े घटनाक्रम व्यक्ति के जीवन में होते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में एक महादशा से दूसरी महादशा चेंज होती है तब कई प्रकार के घटनाक्रम व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। जब ग्रह अपनी राशि बदल रहा हो या आपके जीवन में महादशा चेंज हो रही हो तो इन परिस्थितियों पर आपको बारीक नज़र बना करके रखनी चाहिए, समय पर सटीक उपाय भी आपको करने चाहिए। तो साथियों, यह मैंने आपको घर में गरीबी आने के, दरिद्रता आने के कुछ बड़े कारण बताए। इन पर चिंतन, मनन और विचार अवश्य करें। आप पाएंगे कि जब व्यक्ति भारी संकटों से घिरता है तब कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई कारण सामने आ ही जाता है। सही जानकारी अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को शेयर भी करें। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही शानदार जानकारी के साथ निकट भविष्य में भी। तब तक